लॉन्च का, सर किस तरह से आपने गरुड़ा राम हमारे जो वर्ल्ड फेमस है उनको बुलाया है, क्या प्लानिंग थी उनको बुलाने के पीछे और क्या कहना चाहेंगे? प्लानिंग तो फिलहाल कुछ भी नहीं है इसके पीछे, ये मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत हमारा बहुत टाइम से संबंध है, तो हमेशा मुझे हर चीज़ में मोटिवेट करते और सपोर्ट करते रहे, तो उसको चलते हुए ही इज़ माई फर्स्ट मेंटर विच आई एम गोइंग अहेड विद राइट नाउ, तो बस उसी को लेते हुए आगे चलेंगे और साल आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ना है। बॉन्ड तो ये मेरे बड़े भैया जैसे ही है और उससे ज़्यादा क्या बॉन्ड शेयर करना, हमारी फ्रेंडशिप को हो गया अभी कुछ 6-7 साल, तो बस आगे मैं बोलता हूँ। सबके लिए नमस्कार। 2 साल पहले फ्लाइंग स्क्वाड्स को ओपनिंग के लिए आया था मैं, वो फर्स्ट ईयर था, सो बहुत बड़ा खुशी है मुझे ये 3rd ईयर एनिवर्सरी, बहुत आगे बढ़ रहा है, जिम भी बहुत फेमस हो रहा है फ्लाइंग स्क्वाड्स करके। प्रतीक मेरा दोस्त है, 2 साल हो गया हमारा दोस्ती, फिर अभी भाई जैसा बन गया है मेरा, सो जो भी वो करेगा उसके साथ रह के साथ देना हमारा फ़र्ज होता है, सो इसलिए इधर आया मैं शुभकामना देने के लिए, आप भी उसको आशीर्वाद देना, सब सपोर्ट करना। सर इसके अलावा फिटनेस को लेके आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, आपको क्या मोटिवेट करता है, क्या इंस्पायर करता है फिटनेस के लिए स्पेशली? फिटनेस सबके लिए बहुत ज़रूरी है, फिटनेस के बिना कुछ भी नहीं है आजकल, सब लोग यूथ्स हो एल्डर्स हो कोई भी हो फिट होने से बहुत अच्छा है, सब लोग फिट रहना है इसके लिए। जो भी आप काम करना चाहते हो तो अगर आप फिट नहीं हो तो खुद लॉस हो जाएगा, सो आई वाज ऑलवेज वांट टू टेल एवरीवन टू बी फिट। आपसे जानना चाहूँगा कि सर को ऑलरेडी बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं फिटनेस को लेके स्पेशली, तो क्या वो भी एक रीज़न था कि सर यहाँ पर आए और दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करें इस चीज़ के? डेफिनेटली यही रीज़न है कि सर आए और लोगों को मोटिवेट करते रहे कि फिटनेस लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, और यही लेते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इनको लेके। जी फिल्म में आपकी एक से बढ़कर एक है, KGF में मिलेगा गरुड़ा, उसके बाद रुद्रा भी सलार में देखा, हम आपकी जो छवि है वो इंडियन सिनेमा में बहुत अच्छे एक विलन के तौर पर उभरती नजर आ रही है, साथ में इसके अलावा बाकी सब अच्छे रोल भी आपने किए, क्या कहना चाहेंगे इस जर्नी का श्रेय किसे देंगे फिल्म जर्नी जो आपकी स्टार्ट? इस जर्नी का क्रेडिट मैं हमारा डायरेक्टर KGF डायरेक्टर प्रशांत नील को देना चाहता हूँ, क्योंकि उधर से स्टार्ट हुआ, जब मैं ये फील्ड में आया तो मुझे भी पता नहीं था, मे बी आई डोंट वॉन्ट टू बी एक्टर, एक्सीडेंटली मैं इस इंडस्ट्री में आया, तो बहुत अच्छा KGF सक्सेस मिला आपके वजह से, लोगों की वजह से, सो यही काम जारी रखेंगे, यही काम आप अप्रिशिएट करते सपोर्ट करते रहना और हम लोग यही अच्छा काम करते रहे। बॉलीवुड का कौन सा एक्टर है जो आपको इंस्पायर करता है और आपका ड्रीम हो उनके साथ काम करने का, अगर शेयर करना चाहें? शाहरुख खान मेरा ऑलवेज फेवरेट, शाहरुख खान ही इंस्पायर्स मी अ लॉट, उनका जैसा डेडिकेशन, कोई भी काम करे तो उतना डेडिकेशन से करना होगा, ही इज़ माई इंस्पिरेशन। ऑल्सो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, गरुड़ा का एक मैसेज क्या होगा लोगों के लिए जो आपको फॉलो करते हैं, जो फिटनेस को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं? सबके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, मैं कोशिश में रहूँगा आपको सदा एंटरटेनमेंट करने को, बस। क्या कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके सुनने में वगैरह और बाकी फिल्में भी, अगर बता सके क्या क्या प्रोजेक्ट्स आगे? इस साल बगीरा आ रहा है, मे बी जुलाई एंड में आएगा, और अगले साल सलार 2 अभी शूटिंग जारी हो रहा है, शुरू होने वाला है, और बहुत कुछ प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, मैं आगे बताऊंगा। और KGF 3 का कब तक मीट कर सकते हैं उसका कुछ आइडिया? KGF 3 का जी। ज़रूर बताऊंगा, अगर मुझे मालूम हो तो, मुझे ही मालूम नहीं कब शुरू होगा, सो मैं बताने से ज़्यादा वो अपने आप पता चलेगा। अच्छा मुझे एक बताइए, लॉगिन से जैसे किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं? वो तो मेरा खास दोस्त है, उन्हीं के साथ मैं 15 ईयर्स इंडस्ट्री को आने से पहले से मैं, ये वो मेरा पहला दोस्त है इंडस्ट्री में, सो उसके साथ जर्नी में बहुत कुछ सीख लिया, अभी वो भी एक रीज़न है, कुछ मैं एक्टिंग कर पाता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, तो वो उसी के वजह से, वो मेरे लिए गुरु जैसा। लास्ट क्वेश्चन,
लास्टली कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी अच्छी फिल्में लेकर आ रही है हर साल, नेशनल अवार्ड भी उन्हें मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहें, कितना प्राउड महसूस होता है, क्या कहना चाहें? बहुत बहुत प्राउड फील होता है क्योंकि अब ऐसा हो गया कि तुम साउथ से हो, नॉर्थ इंडिया से हो, तुम तमिल से हो, ऐसा नहीं है, सब इंडस्ट्री एक ही है। सिर्फ काम अच्छा करो, जो भी काम अच्छा है उसको लोग अप्रिशिएट करेगा, वही हिस्से से चल रहा है। ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದೇ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗೂ, ಬರೀ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗೂ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಲವರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಈ ಸಾಲ फिटनेस लवर्स के लिए तो अभी कुछ नया पैकेज डिस्क्लोज नहीं किया है मैंने, बट प्रोबेबली ये साल भगवान की दया से हम लोग और एक फ्रेंचाइजी लेके आ रहे हैं बैंगलोर में. सर के हाथों से ही उसका इनॉग्रेशन होगा और सर के साथ ही वो आगे चलेगा. उनकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी लगती है आपको फिल्मों में? आपको दोस्त आपके है ही है, फिल्में देख के सर लगता चौंकते डरते या खुश होते, क्या रिएक्शन कैसे हैं जब उनकी फिल्म देखते हैं? इनकी फिल्म देखता हूँ तो इनसे ज़्यादा तो मैं इनको प्रमोट करता हूँ. थैंक यू, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो फिटनेस कितना इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में और लोगों के लिए क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे, कौन इंस्पायर करता है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो जिम है फ्लाइंग स्क्वाड्स मेरे दोस्त प्रतीक का है एंड इट इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज यहाँ पर इस जिम में मैं सबसे लंबे टाइम तक मैं रेगुलर रही हूँ एंड आई हैव एक्चुअली बिकम वेरी वेरी फिट एज यू कैन सी. ही इज़ गॉट द बेस्ट ट्रेनर्स, ही इज़ गॉट एवरीथिंग गोइंग ऑन अंडर वन रूफ. देयर इज न्यूट्रिशन, देयर इज एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर योर फिटनेस. सो बस और क्या चाहिए, फिटनेस तो इम्पोर्टेंट है ही, आप सबने फॉलो करना चाहिए लाइफ में. ऑल्सो सर आपसे भी जानना चाहूँगा, जो इनको बहुत फैंस है, बहुत लोग फॉलो करते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है कि फिटनेस का मैसेज बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचे? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा तक पहुँचना ज़रूरी है क्योंकि शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्लाइंट एंड शी इज़ एवरी डे रेगुलर टूवर्ड्स द जिम. हम लोग को तो मज़ा आता है इनको देख के रोज फ्लोर पे. सो कौन इंस्पायर करता है अगर फिटनेस की बात करें? फिटनेस की बात करें तो बहुत सारे आइकॉन्स हैं और जो फील्ड में हम बिलोंग करते हैं वहाँ पर तो इतनी कंपटीशन है एंड फिटनेस हमें ऑफकोर्स स्क्रीन पर दिखाना भी है बट इट्स ऑल्सो फील गुड फैक्टर, मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है. सो देर इज़ नो एस्केपिंग फिटनेस एंड इफ़ आई वॉन्ट टू एस्केप ऑल माई ट्रबल्स आई कम टू फ्लाइंग स्क्वाड्स. ऑल्सो इनकी बात करें तो उनका जो बिजनेस है दिन ब दिन ग्रो करते जा रहा है, आपकी तरफ से क्या ब्लेसिंग होगी? ग्रो कैसे नहीं करेगा, वो अपने हर क्लाइंट को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, हर एक को पर्सनलाइज अटेंशन मिलता है तो कहीं और जाने की ज़रूरत ही क्यों होगी. एंड इट्स सो ह्यूज, यहाँ पर कोई इक्विपमेंट के लिए मैंने तो कभी वेट नहीं किया है. सो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट होता है, हमेशा एक इंसान जो जिम ज्वाइन करता है वो इन चीज़ों के लिए लुकआउट करता है. सून लॉट्स ऑफ देम आर कमिंग अप, इट्स बिन अ लॉन्ग वेट बट इट्स गोइंग टू बी वर्थ द वेट. Thank you.